हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूड मिनिस्ट्री फीड द वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहित, और आज हम बनाने वाले हैं हिमाचली जिमकन मटर मसाला रेसिपी। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चॉप्ड अनियंस, कर्ड, कसूरी मेथी जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ऑयल, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, देगी मिर्च, टोमेटो प्यूरी, शुगर, सॉल्ट, क्यूमिन सीड, टर्मरिक पाउडर। दोस्तों, यहाँ पर जो है हाफ के जी जिमकन ले रहा हूँ, इवन साइज में काट लिया है, फ्रेश कोरिएंडर फॉर गार्निशिंग एंड पीस। दोस्तों, इन सब इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। दोस्तों, ऑयल जो है कढ़ाई में मैंने डाल लिया है, और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स। दोस्तों, ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, क्यूमिन सीड्स मैंने डाल ली है। दोस्तों, क्यूमिन सीड्स को अच्छे से भूनना है, और जैसे ही एक सुनहरा कलर आ जाता है हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस। दोस्तों, क्यूमिन का जो कलर है वो अच्छे से एक सुनहरा कलर आ चुका है, चॉप्ड अनियंस मैंने डाल लिए हैं। दोस्तों, अनियंस को हमें अच्छे से भूनना है, और जैसे ही एक हल्का सा सुनहरा कलर आ जाता है हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों, जैसे ही एक अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। दोस्तों, एक अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है, और अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर लेंगे, और टोमेटो प्यूरी को जो है अच्छे से पकाना है। और दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, देगी मिर्च एंड सॉल्ट। टोमेटो प्यूरी को जो है हमें अच्छे से पकाना है, टर्मरिक मैंने डाल ली है, देगी मिर्च भी डाल ली है, और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं ताकि टोमेटो प्यूरी जो है वो अच्छे से पक जाए। और दोस्तों, जैसे ही टोमेटो प्यूरी जो है, टमाटर की जो प्यूरी है वो अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है, हमारी जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही। दोस्तों, दही जो है एक क्रीमी टेक्सचर देगा, गर्म मसाला भी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी शुगर, शुगर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि खट्टे मीठे का थोड़ा सा बैलेंस बन जाए, ना ज़्यादा खट्टा हो, इसलिए हम शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और दोस्तों, दही जो है एक क्रीमी टेक्सचर का काम करेगा, यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है एक अच्छी सी स्मूथ बनेगी, आप देख भी सकते हैं कि कितनी अच्छी स्मूथ ग्रेवी बनी है। और दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ के जी जिमीकंद। और दोस्तों, जिमीकंद को जो है हमें ग्रेवी में ही पकाना है, जिस तरह से हम चिकन को राड़ा लगाते हैं उसी तरह से जिमीकंद को भी राड़ा या रड़का लगाएंगे। दोस्तों, इससे जो है अच्छे से मसालों का फ्लेवर है वो जिमीकंद में आ जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद जो है हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, और फिर हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पानी हम ऐड कर लेंगे, अच्छे से कुक करना है, और जैसे ही 30 से 40% तक अच्छे से कुक होता है हम इसमें मटर भी ऐड कर लेंगे। दोस्तों, फिर हम इसे अच्छे से कम्प्लीटली कुक करना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जिमकन जो है अच्छे से 30 से 40% तक अच्छे से कुक हो चुका है। दोस्तों, अब बारी है इसमें ऐड करने की मटर। मटर जो है मैंने ऐड कर ली है, और इन्हें भी हम अच्छे से पकाना है, कम्प्लीटली कुक करना है। दोस्तों, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। और दोस्तों, अभी हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि पहले जो है नमक हमने थोड़ा सा ऐड करा था, तो पानी मैंने ऐड कर लिया है। दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और दोस्तों अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में लेके आना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिमीकंद मटर मसाला रेसिपी जो है अच्छे से बन के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी। दोस्तों, इससे जो है फ्लेवर बढ़ेगा, एनहांस करेगा फ्लेवर को, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।